आदिवासी वीरों की। ये जय श्री राम वाले ही हैं, निकाल देंगे इनका राम बाहर, रुक जाओ अभी। तो बचना इन सब चीजों से, ठीक है? तो बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय यादव, जय माधव, जय श्री राम। हाँ, ये सही नहीं किया तुमने डिंपल यादव, वीडियो कॉल हो रही ना डिंपल। सूचना मिली कि कल रात जब अखिलेश भैया का रोड शो हुआ डिंपल भाभी के प्रचार के लिए, तो उस रोड शो के बाद किसी असामाजिक तत्व ने, जाति का मैं नाम नहीं लूंगा, उसकी समझ जाए, उन लोगों ने महाराणा प्रताप चौक है वहां पे समाजवादी पार्टी के झंडे लग गए होंगे, तो उस झंडे को तो निकाला। उसके बाद पूरा वो महाराणा प्रताप की जो मूर्ति है, जो उनके स्टैच्यू है, उसे भी धोया, और उसे धोने के बाद गाली भी दी अहीर समाज को। तो अब इसमें हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है कि आप अब क्या करेंगे, अब समाज को आपकी जरूरत है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इस टाइम पे सोशल मीडिया पे कोई भी अगर आपको चढ़ाने की कोशिश करे और आपके अंदर जोश भरने की कोशिश करे, तो 3 दिन तक ये जोश शांत रखना। 7 तारीख को चुनाव, 7 तारीख को तीसरे चरण में जो चुनाव होने जा रहे हैं, मेनपुरी का चुनाव जब हो जाएगा उसके बाद हम बता देंगे, जो भी गाली हमें दी है उसका जवाब बहुत प्यार से देंगे। अब थोड़ा बुद्धि से चलना पड़ेगा आप लोगों को भी। हम लोग ना बड़े गुस्से में ऐसे स्टेप ले लेते हैं जिसकी वजह से खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ता है। यही वजह है कि हम लोग आज ताकत में नहीं है। ताकतवर हम बहुत है, पर सत्ता की ताकत में नहीं है। किसी के साथ गलत नहीं करना है, ये जो असामाजिक तत्व है इनको जवाब खुद मिल जाएगा। और अगर कल को कुछ भी होता है, क्योंकि लड़के हमारे भरे बैठे हैं, हम ही उन्हें रोक के रख रहे हैं और हम चाहेंगे कि रुके रहे वो, अगर कल को कुछ ऊंच नीच होती है तो ये सरकार ही उसके लिए जिम्मेदार होगी, ये प्रशासन ही उसके लिए जिम्मेदार होगा। बीजेपी ने पूरा देश खतरे में कर दिया। मैं सैनिक हूँ, सीमाओं की रक्षा हमने की है, गोलियां हमने झेली हैं, कैसे सीमाओं की रक्षा होती है वो हमें मालूम है। ये बीजेपी सरकार ने इतना गलत कर दिया है कि सेना को सिविल बना दिया, ये संविदा पे सेना कर दी, 4 साल के लिए सैनिक कर दिए। 4 साल वाला सैनिक क्या लड़ाई लड़ेगा वो, उसके पीछे कुछ नहीं है, ना पेंशन है, ना उसके पीछे उसके बच्चों का कुछ सेफ्टी है, कुछ भी नहीं। तो इसलिए देश बहुत खतरे में है, नौजवान जाग चुका है, यंग जनरेशन जो है वो बेरोजगार हो चुकी है, देश भुखमरी की कगार पर आ चुका है, पूरे देश का अभी पूरा देश अभी बदल गया है। अभी नौजवान वृद्धा सब सड़कों पर आने वाले हैं। बीजेपी को बुरी तरह से खदेड़ने वाले हैं। और मैं ये आपसे स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, दिखावा कोई करे, पूरी पब्लिक बीजेपी के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? कि देश खतरे में है, देश को बचाने वाला कोई नहीं। युवा जो बेरोजगार घूम रहा है, गरीब किसान का बेटा है, सीमाओं की रक्षा करता है, उसको फौज को ही संविदा पर कर दिया, देश कैसे बचेगा? अभी चाइना अटैक कर दे कौन लड़ाई लड़ेगा? 4 साल उसकी संविदा पे है, मरने के बाद एक शहीद हुआ है 4 साल वाला, प्राइवेट गाड़ी में उसका घर पटक दिया लाके, कुछ भी नहीं। जबकि पहले सेना का जो जवान शहीद होता था, सरकार को पूरी जिम्मेवारी थी उसके बीवी बच्चों की सेफ्टी से लेकर के उसके बुजुर्ग माता पिता को पेंशन, उसकी बीवी को पेंशन, ये कानून था देश का। इस बीजेपी सरकार ने उल्टा कर दिया, सेना को ही प्राइवेट कर दिया, देश तो जाने वाला गड्ढे में। बीजेपी को वोट देगा कौन? बीजेपी का सफाया है, मैं ये वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, इंडियन आर्मी जवान, जय हिंद, जय समाजवाद। लेकिन फिर भी मोदी जी कहते हैं कि अब की बात 400 पार, और लोग कहते हैं, बीजेपी वाले भी कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, और आप कह रहे हैं कि देश का वैक्सीन ऐसी लगा देगा। मैं बता रहा हूँ, आप भी देख रहे हो, मीडिया भी देख रही है, पूरा देश देख रहा है। जो संस्थाएं 50-100 साल में देश के अंदर जो संस्थाएं बनाई थी,
दूसरी सरकारों जो संस्थाएं बनाई थी, जो हमारे जवान और बेरोजगार न होने में जाके नौकरी करे, वो सारी संस्थाएं बीजेपी ने बेच दी। रेलवे बेच दिया, 200 रुपए हमसे लिया गाड़ी खड़ी करने के लिए एयरपोर्ट पे। लखनऊ बोला ये क्या है कि ये तो हमारा हो गया है अडानी का, पूरा देश बेच दिया है। बीजेपी के हाथ में क्या सुरक्षित है देश, कौन सा सुरक्षित है? सीधी एक ही बात है, जो देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले हैं उनको प्राइवेट कर दिया, अब सुरक्षित कहाँ से है देश? एक ही आप यही देख लो, वो तो सबके सामने है। 4 साल की संविदा कर दी, वो जवान शहीद हुआ लड़ते लड़ते, प्राइवेट गाड़ी में उसके घर पटक दिया, उसके बीवी बच्चों को कुछ नहीं, अब और फिर भी बोल रहे देश सुरक्षित है, कहाँ से देश सुरक्षित है? लेकिन जनता को तो सुविधा मिल रही है, राशन मिल रहा, घर मिल रहा, पैसे मिल रहे हैं। ये नीति है, राशन बाजरा मिल रहा है इस टाइम बाजरा। ये बीजेपी सरकार की नीति है कि इनको हराम की खाने की आदत डालो, देश के नौजवानों हराम की खाने की आदत डालो, ये किसी काम के नहीं रहे, उसके बाद हम राजा सही करेंगे और इनको गुलाम बना के रखेंगे। ये इनकी नीति है, ये इनका भविष्य का प्लान है। सर जी, मंदिर कोई नहीं बनवा पाया 500 साल से, लेकिन इन्होंने बनवा दिया, अब वोट मांग रहे हैं। मंदिर आस्था है, ये पूरी देश की आस्था है, पूरा देश खुश है मंदिर से, लेकिन मंदिर में न तो नौकरी लगेगी, न ये बेरोजगार घर में, एक एक घर में चार चार पट्टा घूम रहे हैं, साठ बने एक तो ये घूम रहे हैं मंदिर में, कोई इनको रोजगार नहीं मिलेगा, घंटा बजाने से पेट नहीं भरेगा, ये बीएससी एमएससी करके ये घूम रहे हैं, ये गाँव में साठ बने घूम रहे हैं, खेतों में साठ, वो ढील लिए योगी ने, रात भर ये नौकरी करते हैं, साड़ों को घेरते हैं, दिन में यहाँ पे ये गदर करते हैं, घर में ये पट्टा घूम रहे हैं, देश चौपट हो गया, देश बिल्कुल, अगर बीजेपी नहीं हटी देश खड्डे में जाएगा। आप तुलम लिए घूम रहे हो, आपका पास भी ये नहीं रहेगा, आप भी गुलाम ही करोगे, आप भी नौकर गुलाम बन के रहोगे, मैं वादा करता हूँ। इसलिए पूरे यंग जनरेशन का, पूरे देश का मूड बन चुका है बीजेपी को हटाना है, अगर देश को बचाना है बीजेपी हटाना है। अमित शाह जी कहते हैं कि हमारी सरकार तीसरी बार बनाइए, हम आपको 2029 तक आपको राशन देते रहेंगे, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? 2029 तक बीजेपी सरकार राशन देगी, मैं ये वादा करता हूँ। इनकी जो भविष्य का प्लान है वो सिर्फ एक ही प्लान है कि इनको हराम की खाने की आदत डाल लो, ये तो और दे देंगे 10 किलो, अभी हराम की खाने की आदत डाल लो, उसके बाद इनको गुलाम बना लो, हमारे बच्चे नाती जो अभी ये पढ़ेंगे BSc MSc करके, इनके गुलाम रहेंगे, इनकी गुलामी करेंगे, वो इनकी नीति है, हराम की खाने की आदत डालने की नीति है। ये क्यों नहीं रोजगार, क्यों ये इस तरह की संस्था नहीं खोल लेंगे, ये 5 किलो की राशन की क्यों जरूरत है? 6 करोड़ 2014 में बदनाम हो रही थी कांग्रेस के, 6 करोड़ गरीब है देश के अंदर, 6 करोड़ को ये सरकार, यही बीजेपी चिल्लाती थी, यही स्मृति ईरानी वो घड़े वो लिए घूमती थी सिलेंडर, 400 का कर दिया, मटक मटक के बहन जो सड़क गीली कर दी इसने मूत मूत के, और वही अभी 1200 कर दिया, तो हंस रही है, ऐसे ऐसे चल रही है, ये है बीजेपी। इनका काम है इनको 10 किलो दे करके बेरोजगार बनाना। अगर बीजेपी सही काम करती, संस्थाएं बेचती नहीं, संस्थाएं खड़ी करती, मैनपुरी में एक इतना बड़ा फैक्ट्री बना देती, एक भी बच्चा यहाँ नहीं मिलता, ये जो घूम रहे साढ़ बने के घर में चाचर पट्टा, एक भी नहीं मिलता, सारे वहाँ कर देती, हर जिला में इस तरह का रोजगार कर देती, बीजेपी कभी नहीं हटती। इन्होंने तो वो बेच दिया, बना बनाया फौज प्राइवेट कर दी, हमारा दिल रो रहा है, हमने रक्षा की सीमाओं की 2 गोलियां झेल रखी हमने, अभी वो प्राइवेट कर दी, सीमाओं की रक्षा कौन करेगा? चाइना ने वो साला हमारा इतना अहिर संस्थान बना था, तो उसे कब्जा कर लिया, कोई मीडिया नहीं बता रहा है, ये तुलना कोई नहीं लगा रहा है उसके पास जाके, ये चाइना ने क्यों ले लिया, आज से बना है 1962 के बना हुआ है वो अहिर संस्थान, वहाँ बना रजांगला का, जहाँ 120 जवानों ने अपनी आहुति दी, वहाँ शहीद हुए थे 120 जवान, वो भी अहिर जवान थे, और उस पर उसने कब्जा कर लिया चाइना ने, वो खसा दिया, और ये चुपचाप बैठे, ये कहीं तुम आप तुरम नहीं लगाते जाके, वो चला गया वो, अब कभी लगाया जाएगा? कहते तो हैं कि विश्व में नाम हुआ भारत का, हो तो गया नाम, यही तो नाम है, वो जगह वो ले ली 1962 में, वहाँ जवानों ने जो अपनी अपना देश के प्रति जो शहीद हुए थे, वो भी संस्थान चाइना ले लिया, ये तो नाम हो गया दुनिया में कि इंडिया इंडिया का मोदी है, वो चाइना ने वो कब्जा कर लिया, ये नाम और क्या नाम होता है, देश बिक रहा है, पूरी दुनिया में नाम है, नेपाल का बोल रहा है, नेपाल का प्रधानमंत्री बोल रहा है,
सदन उनका उनका सदन में सांसद बोल रहा है कि सबसे गया गुजरा इंडिया, सबसे गया गुजरा मोदी। नेपाल के सदन में वो सांसद बोल रहा है कि इतना गलत प्रधानमंत्री देश के अंदर कभी नहीं हुआ जितना हिंदुस्तान का मोदी है। नेपाल की संसद में से एक सांसद बोल रहा है, पूरा देश ही बेच दिया। परिवारवाद की राजनीति करता है विपक्ष, चाहे वो सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो। तो जब परिवार नहीं, ऐसा कहना है भाजपा वालों का, सबसे ज्यादा बीजेपी में परिवारवाद है। सबसे ज्यादा अमित शाह का लड़का, उधर राजनाथ सिंह का लड़का, उसका लाते उसका दमान, और सारे सारों की बेटियां ये बोल रहे मुसलमान खिलाफ, मुसलमानों को सारे बीजेपी नेताओं की बेटियां, और यहाँ हम लोगों को लड़ा रहे हिंदू मुसलमान में, यहाँ लड़ाई कर रहे वहाँ सबकी बेटियां। कोई ऐसा नेता बीजेपी का बड़ा नेता नहीं है राजनाथ सिंह से लेकर, और जिसकी बेटी मुसलमान के यहाँ, जिसका दमान मुसलमान नहीं, और यहाँ हमारे यहाँ बोल रहे हैं हिंदू मुसलमान, यहाँ लड़ाई करा रहे हैं सबकी बेटियों, क्यों? ये कैसा तिरंगा खेल है बीजेपी का? धन्यवाद सर जी। कह रहे हैं कि देश खतरे में है बीजेपी से, आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही कह रहे सर, ये फौजी सीमा की रक्षा की। बिल्कुल, जिसको 15 साल में पेंशन मिलती थी उसको 4 साल के लिए कर दिया, पेंशन 15 साल वालों की बंद कर दिया, और इन संसदों के जो नेता हैं, संसद हैं, इनकी 5-5 पेंशन है। नौकरी भी तो 4 साल की दे रहे हैं जवानों को, तो खुद 5 साल में क्यों ले रहे हैं? आप 5 साल बाद अपनों चले गए घर, क्यों दोबारा लड़ रहे हैं? दोबारा क्यों लड़ रहे? एक बार लड़ ले, 4 साल बाद दूसरा धंधा देख ले। जैसे उसको फौजी को बोल दिया 4 साल बाद दूसरा धंधा मिलेगा। तो आपके हिसाब से अब की बार किसकी सरकार बननी चाहिए? अब की बात कांग्रेस से, इंडिया गठबंधन क्या कहेंगे सर जी? कांग्रेस, कांग्रेस। चलिए, हमारे देश के जवान थे, थोड़े से हम मुद्दे से भटक गए। हमारा जो यहाँ का मुद्दा था, लोगों से सिर्फ एक सवाल कि अब की बार यहाँ से किसकी सरकार।